आज हम छठे कक्षा का संस्कृत विषय का पाठ तीसरा पढ़ रहे हैं, शब्द परिचय। ये तीसरा भाग है। इससे पहले हमने पढ़ा पहला पाठ शब्द परिचय एक, उसमें था पुल्लिंग पद, पुल्लिंग पदों की पहचान थी पीछे विसर्ग का होना। दूसरा हमने पढ़ा था अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान थी आक जो वर्ण है उससे बंद होने वाले शब्द। आज हम पढ़ रहे हैं नपुंसक लिंग शब्द। तो बच्चों आप देखिए कि ये जो मंदिरम, ग्रहम, द्वारम, सोपानम, तिलकम, इन सभी के पीछे अगर हम गौर से देखेंगे तो इन सभी के पीछे म वर्ण आ रहा है। म मंदिरम में, म ग्रहम में भी, म इस तरीके से इन सब में आ रहा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नपुंसक लिंग शब्द क्या होते हैं, कि वे शब्द जो ना तो पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, तो उन्हें नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। और संस्कृत में उनकी पहचान है कि इन शब्दों के पीछे अंतिम वर्ण जो होगा वो म होगा, हलंत के साथ म। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए चित्रों के साथ, मंदिरम, मंदिरम मतलब मंदिर, ग्रहम घर, द्वारम दरवाजा, सोपानम सीढ़ी, तो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, तिलकम तिलक, उपनेत्रम चश्मा, कंगतम कंगा, छत्रम छाता, व्यजनम पंखा, क्रीडनकम खिलौना, पुस्तकम पुस्तक, मुकुटम मुकुट, आसनम आसन, बिछोना बैठने का जो बिछोना है उसे बोलते हैं आसनम, कृष्ण फलकम जो हम इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड बोलते हैं जिसको, और हिंदी में है श्याम पट, उसको बोलते हैं संस्कृत में कृष्ण फलकम, कंगणम कंगन, करवस्त्रम रुमाल, पंजरम पिंजरा, दूरदर्शनम दूरदर्शन, टेलीविजन, संगणकम कंप्यूटर, सीवन यंत्रम, सीवन यंत्र सिलाई की मशीन, चक्रम चक्र पहिया, शक्टम बैलगाड़ी, रेलयानम रेलगाड़ी, विमानम हवाई जहाज, पर्णम पत्ता, फलम फल, नारिकेलम नारियल, नीडम घोंसला, कमलम कमल, पुष्पम फूल। ये सभी नपुंसक लिंग शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे इनका वचन प्रयोग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चित्र देखिए, एक कमल है कमलम, दो कमल हैं कमले, और बहुत सारे कमल हैं कमलानी, कमलम कमले कमलानी। उसी तरह एक फल है फलम, दो फल हैं फले, और बहुत सारे फल हैं फलानी, फलम फले फलानी। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तके, पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकानी, बहुत सारी पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। उपनेत्रम एक चश्मा, उपनेत्रे दो चश्मे, उपनेत्राणी बहुत सारे चश्मे। छत्रम एक छाता, छत्रे दो छाते, छत्राणी अनेक छाते। ये था इनका वचन प्रयोग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इन वचन प्रयोग को हम क्रिया प्रयोग से समझेंगे। तो एक क्रिया क्या है, सभी में एक समान ही चलती है, एक वचन द्विवचन बहुवचन सभी में एक जैसी, मतलब यहाँ अलग अलग हैं लेकिन जो पुल्लिंग पद थे, स्त्रीलिंग पद थे, और अब जब नपुंसक लिंग पद शब्द हम पढ़ रहे हैं तो इनमें क्रिया एक जैसी हैं। बस हमें किसका ध्यान रखना है, जो शब्द हैं जैसे फलम फले फलानी, इनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, फलम पतती, फल गिरता है, पेड़ से फल अलग हो रहा है। फले पतत, दो फल गिरते हैं। फलानी पतंती, बहुत सारे फल गिरते हैं। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पे विकसत, विकसतः मतलब दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणी विकसंती, बहुत सारे फूल खिलते हैं। कारयानम चलती, एक कार चल रही है। कार याने चलत, दो कारें चल रही हैं।
कार यानानी चलंती, बहुत सारी कारें चल रही है। इसी प्रकार यहाँ नीचे भी एक वचन द्विवचन बहुवचन में ये शब्द लिखे हैं। व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है। व्यजने भ्रमत, दो पंखे घूमते हैं। व्यजनानी भ्रमंती, बहुत सारे पंखे घूमते हैं। शकटम गच्छती, गाड़ी जो बैलगाड़ी है वो जाती है। शकटे गच्छत, दो बैलगाड़ियाँ जाती हैं। शकटानी चलन गच्छंती, बहुत सारी गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ जाती हैं। पुस्तकम अस्ति, किताब है। पुस्तके स्थे, दो किताबें हैं। पुस्तकानी संति, बहुत सारी किताबें हैं। मित्रम आगच्छति, मित्र आता है। मित्रे आगच्छत, दो मित्र आते हैं। मित्राणी आगच्छन्ति, बहुत सारे मित्र आते हैं। पर्णम पतति, पत्ता गिरता है। पर्णे पतत, दो पत्ते गिरते हैं। पर्णानी पतन्ति, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। देखिए शब्द परिचय पाठ 3। अब इसको हम पाठ के द्वारा समझेंगे। अभी जो ये शब्द है एतत्, किम, तत्, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द, जो इन शब्दों के जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उनको सर्वनाम शब्द कहते हैं। सबसे पहला चित्र देखो। एतत् किम, यह क्या है? ये जो कुल्हाड़ी है उसके बारे में बात हो रही है कि एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, कि यह खनित्रम का मतलब होगा कुदाल, खुदाई करने वाले कुदाल हैं। शर्मिका खनित्रम चालयति, शर्मिका जो है काम करने वाली है, मजदूर की पत्नी, वो क्या कर रही है? खनित्रम मतलब कुदाल को चालयति मतलब चलाती हैं। क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखें, एतत् का प्रयोग मतलब यह। अब हम पढ़ेंगे तत्। तत् किम, क्योंकि अब ये दूर हैं इसलिए तत् मतलब वह, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ, भित्तिकम का अर्थ होगा दीवारें, क्या यहाँ दीवारें हैं? अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवारें न मतलब नहीं है। ये जो अत्र हैं ये अव्यय पद हैं, इसको आगे सीखेंगे हम। यहाँ पर हमने सर्वनाम पद पढ़ा तत् और इससे पहले एतत्। अब ये दो हो गए यहाँ पर, तो देखे एते के, ये दो क्या हैं? एते अंगुलिय के स्थे, ये दो, एते मतलब ये दो, अंगुलिय के का अर्थ होगा अंगूठियाँ, अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकार अंगुलिकः रचयति, जो सुनार हैं, स्वर्णकार मतलब सुनार, वो क्या कर रहा है? दोनों अंगूठियों को बना रहा है। तो यहाँ पर द्विवचन में हमने यह शब्द को पढ़ा एते, इसमें भी चलेगा एतत्, एते, एतानी, तत् ते, तानी, जैसे फलम फले फलानी वैसे। ते के, अब ते के, वे दो क्या है? ते बस याने इस्ते, वे बस, वे दो बस हैं। ते बसे कुत्र गच्छत, वे दोनों बसे कहाँ जा रही हैं या कहाँ जाती हैं? ते रेल स्थानकम गच्छत, कि वे दोनों रेल स्थान का मतलब स्टेशन, स्टेशन जाती हैं, रेलवे स्टेशन जाती हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी करवस्त्राणी संति, ये सब हाथ के रुमाल हैं। करवस्त्राणी मतलब रुमाल। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं, पुराने हैं? न, नहीं। एतानी तु नूतनानी, नहीं, ये तो नए हैं। तो यहाँ हमने सर्वनाम शब्द पढ़ा एतानी। तानी कानी, वे सब क्या हैं? त कदली फलानी संती, कि वे कदली फल मतलब केले, कदली फल संस्कृत को केले को कदली फल बोलते हैं संस्कृत में। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं? आम, आम मतलब हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी चे, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। देखिए यहाँ पर अकारांत नपुंसक लिंग शब्द मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी हम इनको अलग करते हैं। जैसे फलम, फ, ल और म, इन तीनों से मिलकर फलम बना है। फ
फा को भी अगर हम मात्रा और शब्द अक्षर अलग अलग करेंगे, व्यंजन उन मात्राएं, तो फ म अ मिला है, फ बना, ल म अ मिलकर ल बना, और म क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं मिली हुई है, तो आखिरी वर्ण हो गया इसका म, फलम का। उसी तरह परणम, परणम में भी देखिए प म अ मिलके प बना, र आधा ही है इसलिए इसको हमने अगले वर्ण के ऊपर लगा दी, ऊपर जाएगा ये ण म अ मिलकर पूरा ण बना, और वापस यहाँ पर म क्योंकि इसमें कोई भी हलंत लगा, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो इसका भी आखिरी वर्ण म, इसका भी आखिरी वर्ण म। तो ये नपुंसक लिंग शब्दों की पहचान होती है। अभी देखो संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग हमने इसमें पढ़ा, जैसे एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, और बहुवचन में फलानी, फलम फले फलानी। उसी तरह सर्वनाम पद होगा एतत् एते एतानि, यह यह दो यह सब, तत् ते तानि वह वह दो वे सब। तो इन शब्दों को ध्यान में रखना आपको कि फलम एतत् और तत् का प्रयोग होगा, फले एते ते फलानि एतानि तानि, ये सभी नपुंसक लिंग पद हैं, इनका आपको ध्यान रखना है।